में फंसे नेपाली लोगों ने भारत सरकार से की मदद की अपील। वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा आस है कि इंडिया भी हमारा मदद करेगा। कहा हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। रूस में फंसे नेपाली लोगों ने भारत सरकार से उन्हें बचाने की अपील की है, क्योंकि नेपाली सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। उनके साथ ट्रैवल एजेंटों ने धोखाधड़ी की, जिन्होंने उन्हें रूसी सेना में सहायक की नौकरी के बहाने से रूस भेजा। अभी हम लोग रशिया के आर्मी में है। हम लोग हमारा मुल्क नेपाल से आए थे, लेकिन अभी यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है। हमें रशिया आर्मी में जाके हेल्पर में काम करना चाहिए ऐसा बोल के हमें भेजा था, लेकिन इधर आके हमें फाइट में जाना पड़ रहा है। फाइट में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। चार नेपाली लोगों ने भारत सरकार से उन्हें रूस से छुड़ाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें धोखे से सेना में सहायक के रूप में काम करने के लिए देश में भेजा गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। वीडियो में लोगों को कड़ाके की ठंड में एक झोपड़ी में दुबके हुए देखा जा सकता है, जबकि उनमें से एक भारत सरकार से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहा है। चारों की पहचान संजय, राम, कुमार और संतोष के रूप में हुई है। वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके साथ भारत के भी कई नागरिक थे, जिन्हें भारत सरकार ने निकाल लिया, लेकिन नेपाल के दूतावास में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने भारत से मदद मांगते हुए कहा कि हमें बहुत उम्मीद है कि भारत हमारी मदद करेगा और हमें निराश नहीं करेगा। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे, उन लोगों को इंडिया ने वापस कर दिया, लेकिन हमारा नेपाल एम्बेसी हमारे कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है नेपाल से, इसलिए हम अपना वो पड़ोसी देश इंडिया से मदद मांगना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा आस है कि इंडिया भी हमारा मदद करेगा, हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बहुत अच्छा संबंध है। नेपाली लोगों ने आगे कहा कि हम 30 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया तो कुछ लोगों को ज्यादा इंजरी हुई है। हमारा नेपाल से कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग सभी लोग यहाँ के नेपाल के सभी लोग भाई लोग नेपाल जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमें हेल्पर में बोल के अभी हमें फाइट में भेज रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम 30 बंदे थे, हमारे 30 बंदे में अभी हम सिर्फ 5 बंदे बाकी है। किसी को किधर भेजा है, कोई लोग ज़्यादा इंजुरी हुआ। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 12 नेपाली लोग मारे गए हैं और लगभग 100 लोग रूस में लापता या घायल हो गए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।